पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है उस कलाकार की जिसने सही मायनों में भारतीय सिनेमा की शुरुआत होती देखी और उसमें अपना योगदान दिया, और फिर वो एक ऐसा स्तंभ बन गया जिसके बगैर भारतीय सिनेमा का इतिहास एकदम अधूरा माना जाएगा। नाम सोहराब मोदी। अगर ये बात है तो हमें ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते। सेनापति जी, आप जाइए और युद्ध की तैयारी कीजिए। इनका जन्म हुआ 2 नवंबर सन 1897 में शहर मुंबई, लेकिन चूंकि इनके पिता सरकारी कर्मचारी थे लिहाजा इनका बचपन रामपुर में बीता। ये जगह इनके मामा की थी, क्योंकि सोहराब मोदी पर शुरुआती असरात रामपुर के रहे, इसलिए वहां पर इन्होंने उर्दू और हिंदी बहुत अच्छे से सीखी। हालांकि ये जन्म से एक पारसी थे। सोहराब मोदी के बड़े भाई रुस्तम ने एक ऐसा सिनेमा शुरू किया था जो गांव-गांव शहर-शहर जाकर सिनेमा दिखाया करता था। उसी का असर सोहराब मोदी पर भी बड़ा गहरा रहा। अब हमारी पारी है। सोहराब मोदी साहब ने भी उसी बिजनेस में हाथ आजमाए, ग्वालियर से लेकर पुणे और पुणे से फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देवलाली में ये ठहर गए। इन्होंने तकरीबन 4 सिनेमा घर खरीद लिए थे। साल रहा सन 1923। इस बीच इनके भाई रुस्तम ने एक टूरिंग ड्रामा कंपनी भी खोल ली, और जब रुस्तम साहब की तबीयत खराब हुई तो सोहराब मोदी ने उस ड्रामा कंपनी को भी संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। तकरीबन 10 बरस तक सोहराब मोदी साहब उस कंपनी को चलाते रहे जिसमें मराठी और उर्दू नाटक चला करते थे। अधिकतर शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद ही हुआ करते थे जिसमें सोहराब मोदी मुख्य भूमिकाएं निभाया करते थे। हम ऐसे आदमी की इज्जत करते हैं जो लड़ना जानते हैं, मगर हम ऐसे आदमी की पूजा करते हैं जो मरना जानते हैं। सन 1935 के आते आते ये वापस पुणे लौट गए, जहां पर इन्होंने अपनी ड्रामा कंपनी को एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में तब्दील कर दिया। इन्होंने हैमलेट का प्रदर्शन किया जिसमें नसीम थी जिन्होंने ओफेलिया का किरदार निभाया था। इस बीच इनके भाई रुस्तम ने पुरानी चौतानी 100 मिल खरीद ली और वहां पर मिनर्वा फिल्म कंपनी की नींव रखी। धीरे धीरे रुस्तम साहब तो हैदराबाद में सेटल हो गए और सोहराब मोदी साहब फिल्म कंपनी चलाते चलाते पुणे शहर से मुंबई शहर की तरफ चले गए। सोहराब मोदी साहब ने हमेशा कहा है कि इनके भाई रुस्तम की वजह से ही उन्होंने वो मकाम हासिल किया जिसके लिए पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है। गुलाम में क्या काम किया है? बहुत अच्छा है क्या यार? हालांकि इनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव रहे, सोहराब मोदी साहब की फिल्म आत्मतरंग बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। पर उसके बाद इन्होंने पलट के नहीं देखा। इन्होंने फिल्में बनाई मीठा जहर, जेलर, पुकार, सिकंदर, पृथ्वी वल्लभ और शीश महल। सोहराब मोदी खुद बड़े जबरदस्त डील डॉल के व्यक्ति थे। ये एक बड़े ही सफल प्रोड्यूसर थे और बड़े ही तेज तर्रार दिमाग वाले डायरेक्टर, और अभिनय में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता था। लिखिए, हमारे देश पर एक बाहर के आदमी ने हमला किया है। अगर इस समय हमने मिलकर उसका मुकाबला नहीं किया तो हमारी संतान हमें कायर कहेगी और हमारे देश पर विदेशी राजा राज करेगा। सोहराब मोदी साहब ने उस जमाने में पद्मिनी चित्तौड़ की रानी पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा था, पर इन्हें लगा कि शायद ये किसी न किसी तरह का विवाद जरूर खड़ा कर देगी, तो इन्होंने उस फिल्म को ना बनाया। सोहराब मोदी साहब ने अपनी बीवी मेहताब के कहने पर झांसी की रानी पर फिल्म बनाई, और जब देखा कि उनका शाहकार झांसी की रानी एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है और उसके सेट्स बहुत खूबसूरत हैं, तो उन्हें लगा कि क्यों ना इसे टेक्निकलर में बनाया जाए। हम आपके मन की बात अभी पूरी कर देते। और इस तरह से झांसी की रानी वो भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म साबित हुई। कट, कमाल कर दिया हीरो साहब, क्या शॉट दिया है। सोहराब मोदी साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनका विवाह हुआ मेहताब इब्राहिम से, जो अपने जमाने की बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री थी। हालांकि वो गुजरात में सूरत शहर के नजदीक सेचिन के नवाब की बेटी थी। तो तुम उस देश की बेटी हो जहां महाराज दारा राज करते थे? वो हमारे मित्र थे। मेहताब इब्राहिम की पहले शादी हो चुकी थी और एक बेटा भी हो गया था जिसका नाम रखा था इस्माइल। वो अपने पति से अलग हो गई थी। सोहराब मोदी और उनकी मुलाकात हुई जब फिल्म परख बन रही थी। धीरे धीरे वो मुलाकात दोस्ती में तब्दील हुई और फिर सोहराब साहब ने इनसे शादी की बात की। मेहताब जी ने कहा कि मैं शादी तो करूंगी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे को अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। इस्माइल को अपने बेटे की तरह पाला और इस शादी से मेहताब इब्राहिम को एक और बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया महली। वो घड़ी क्या जहां बहन भाइयों में प्यार की लड़ाई न हुआ करे। सोहराब मोदी ने बहुत से नए हुनरमंद लोगों को मौके दिए। अपने जमाने के सभी दिग्गज कलाकारों के साथ इनका उठना बैठना था और इनका एक अलग ही रुबाब था। अपने जीवन में जो भी इन्होंने किया बहुत हटके किया।
पूरू ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा। स्वराव मोदी साहब को आगे जाकर कैंसर हो गया था। इनके दोनों ही बेटे विदेश में थे। इनकी बीवी तो चाहती थी कि इनका इलाज हो, पर डॉक्टर्स ने सुझाया जितने भी दिन बाकी हैं इन्हें शांति से गुजारने दिए जाएं। और 28 जनवरी सन 1984 में 86 साल की उम्र में स्वराव मोदी साहब का निधन हो गया। यकीनन भारतीय सिनेमा की शुरुआत करने वाले कलाकारों में से एक रहे स्वराव मोदी। इनके बगैर भारतीय सिनेमा सदैव अधूरी मानी जाएगी। इसमें शक नहीं कि आदमी का जीवन जीवन है, मगर दुनिया में कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि जब आदमी मर जाए तो अमर हो जाता है। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।